Hello everyone, in this video I am going to tell you about the atom, that what is atom. आज हम पढ़ेंगे कि एटम होता क्या है. तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटम, हम ये भी कह सकते हैं. लेकिन ये हम कई बार गलती कर देते हैं. अगर हम केवल इतनी बात कह रहे हैं तो हम प्रॉपरली एटम को डिफाइन नहीं कर रहे. अगर हम चाहते हैं कि हम एटम को प्रॉपरली डिफाइन करें, कोई भी उसमें हमारी मिस्टेक ना निकाल पाए, तो उसके लिए हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम. एटम क्या होती है? एटम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कई सारे रिएक्शंस में ये टेक प्लेस करती है अपना. और एक और चीज ये जरूरी होती है कि जो एटम होता है वो हर एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. जैसे हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसमें हम सब लोग ये पढ़ते हैं कि एटम जो आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल्स जो है वो या तो भर जाती है या खाली हो जाती है, ऐसा हम पढ़ते हैं. तो एटम की डेफिनेशन यही होती है कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम. अब एटम के कितने पार्ट होते हैं? एटम के तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनके सिंबल्स ये हैं. जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? बाहर की शेल्स में घूमता है, एनर्जी लेवल्स के अंदर घूमता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा होता है, इसलिए हम इसका जो सिंबल है वो ई बनाते हैं, ऊपर माइनस बना देते हैं. इलेक्ट्रॉन का साइन ई होता है. प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स जो है इसी में पॉजिटिव चार्ज होती है. प्रोटॉन्स के लिए हम क्या करते हैं? पी बना के ऊपर प्लस का, यानी पॉजिटिव का साइन बना देते हैं. और जो तीसरा हमारे होते हैं न्यूट्रॉन्स, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता. हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कॉलम. कॉलम क्या है? कॉलम ऐसा ही होना चाहिए, कॉलम. दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज. और इतना ही चार्ज प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें यही चार्ज पॉजिटिव के अंदर आ जाता है. 1.602 × 10⁻¹⁹ कॉलम, दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स. और मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स के अंदर अपना कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स का चार्ज होता है जीरो. तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे एक एटम का कोई चार्ज नहीं होता. एटम का चार्ज इक्वल्स टू जीरो. क्यों? क्योंकि जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, कि एटम का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो एटम के स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे क्या है, हमारे एक साइंटिस्ट थे बोहर. तो हमें बोहर ने ये एटम को मॉडल दिया था. इस एटम के मॉडल में उन्होंने हमें क्या बताया कि बीच का सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस के अंदर होती है दो चीजें, एक तो प्रोटॉन्स एयर एंड न्यूट्रॉन्स. इसका मतलब है कि अगर हम केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस की बात करें तो उसका जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, केवल न्यूक्लियस की. और जो अब बात आती है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आसपास घूमते हैं. इसकी जो वैलेंस शेल्स होती है, जो इसके एनर्जी लेवल्स हम बोल सकते हैं, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनके अंदर ये जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. जैसे हम मान सकते हैं सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. अब इनके घूमने का भी एक वो है, क्या कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट वो है कि ऐसे ही घूमेंगे. जैसे अगर हम पहली शेल की बात करें, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है जिसको हम एक से डिटरमाइन करते हैं, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं. दूसरा शेल होता है एल, अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जैसे हमारा एच ही है, यानी कि हीलियम है. हीलियम के अंदर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उसका जो एटम है वो तो ये है कि एक बीच में न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे आसपास की शेल में घूमेंगे, ये बात आ जाती है. अब इसमें हमारे बोहर सर ने और क्या क्या चीज बताई, हमारे बोहर सर ने हमें ये बताया कि एक एटम के अंदर, इन ए एटम नंबर ऑफ
electrons equals to number of protons. एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे. और अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी अगर आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीजें होती है, यहाँ पे एलिमेंट का नाम भी रखा होता है. ठीक है, एलिमेंट के नाम के बाद क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है. मान लीजिए हमारा कोई एलिमेंट है एक्स, तो ऐसे वाई और जेड, तो इसमें वाई क्या होता है, वाई होता है एटॉमिक नंबर, और जेड जेड होता है हमारा क्या, एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास चीज होती है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के नंबर को प्लस करने के बाद जो संख्या आई, मान लीजिए प्रोटॉन्स तो 4 है और न्यूट्रॉन्स 2 है, तो हमारा 6 आ गया. तो 6 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक मास. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर अकेले की हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर. और ये एक्स हमारा एलिमेंट है. इस तरीके से हम पता करते हैं बोहर के अकॉर्डिंग कि हमारे जो एटम है उसके कितने इलेक्ट्रॉन से, कितने प्रोटॉन से, कितने न्यूट्रॉन से. वेल माय फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एटम. इन आवर नेक्स्ट वीडियोस वी विल टेल अबाउट द वैलेंसी, दैट व्हाट इज वैलेंसी. हमारी अगली वीडियोस में हम इन वर्ड्स के बारे में बताएंगे कैसे वैलेंसी होता है, मोनोवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ऐसी कई सारी वैलेंसीज होती है, वैलेंसी क्या होता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे साथ शेयर करें. और हमारी नेक्स्ट